डीडीसीए की तैयारी को लेकर दुर्ग जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में 2022 के जूनियर क्रिकेट वर्ग अंडर 14 क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन प्रक्रिया के तहत मैच कराकर 24 प्लेयरों की लिस्ट बनाई गई। दुर्ग जिला अंडर 14 क्रिकेट टीम के चयन प्रक्रिया के तहत दुर्ग जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पंडित रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में 2022 के जूनियर क्रिकेट वर्ग का चयन कर उनके बीच मैच कराकर चयनित खिलाड़ियों को बीसीसीआई CSCS रायपुर एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट तथा सिलेक्शन मैच में शिरकत करे। वहीं इस चयन में उनके क्रिकेट दक्षता, बैटिंग, बॉलिंग एवं कीपिंग तथा फील्डिंग एवं फिजिकल टेस्ट के आधार पर लिया जाएगा, जो चयनकर्ताओं के देखरेख में किया जाएगा। इसी कड़ी में मंगलवार को दुर्ग स्टेडियम में अंडर 14 के 24 प्लेयर का चयन किया गया। इन प्लेयरों का 2 दिवसीय सिलेक्शन मैचेस का आयोजन कर दुर्ग जिले की टीम का गठन किया जाएगा। वहीं चयनित खिलाड़ी सेंट्रल जोन टूर्नामेंट एवं छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित होने वाले अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को चयनकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये अंडर 14 के हमारे यहाँ के दुर्ग के बच्चे CSCS के अंतर्गत एलीट ग्रुप के लिए खेलने जाएंगे, जिसमें 30 बच्चे आए थे सिलेक्शन के लिए। 30 से 35 बच्चे आए थे विभिन्न जिलों से, बालोद से, दुर्ग से, भिलाई से और भी छोटे गाँव से भी आए थे, जो भी CSCS के अंदर खेलने जाएंगे। सर उनके फिजिकल फिटनेस पे, बैटिंग पे, बॉलिंग, विकेट कीपिंग सारे प्रक्रिया पर ट्रायल्स लेने के बाद अंडर 14 का ये जो मैचेस चल रहे हैं चयन, मतलब सिलेक्शन मैचेस हैं, जिसमें आने वाले समय में जो 5 अक्टूबर से जो चालू होने वाला है CSCS का अंडर 14 का टूर्नामेंट, उसके लिए ये लोग प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। कितनी टीम है और क्या प्रो बताओ ना? अंडर 14 में ऐसे 2 भाग में डिवाइड होता है छत्तीसगढ़ को, एक एलीट ग्रुप रहता है और एक प्लेट ग्रुप रहता है। तो एलीट ग्रुप में 8 टीम रहती है और प्लेट में 15 टीम रहती है, जो जगदलपुर हो गया, कांकेर हो गया, इस रायगढ़ हो गया, यहाँ से टीमों का मिला के एक प्लेट ग्रुप बनता है। अंडर 14 क्या होता है कि एक आधारशिला रखी जाती है कोई भी क्रिकेटर को अपना भविष्य सुधारने के लिए या अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए। तो ये जो हम सिलेक्शन मैचेस करा रहे हैं, क्योंकि डेस मैच और वनडे और T20 का ना, मतलब ये बहुत ही अलग मिश्रण रहता है। तो डेस मैच में क्या होता है कि आपको 2 दिन मैच खेलना रहता है, तो आपके पास बहुत समय रहता है अपने बैटिंग का जौहर दिखाने के लिए, क्रिकेट का अपने बॉलिंग का कौशल दिखाने के लिए। साथ ही सभी प्लेयर को ना पूरा मौका मिलता है कि आप अपने प्रतिभा को दिखा सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।